देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में लोगों ने भरोसा जताया है और अभी आप देखिए 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पूर्ण विश्वास है कि अभी मतगणना अभी शुरुआती दौर है, 9 की 9 सीटें जीतेंगे हम लोग। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, पूरे देश में जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। देश की जनता मोदी जी के विकास का, जो डबल इंजन का, में ही भरोसा जता रही है। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश का विकास हो सकता है, इसलिए ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। सर, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार के दबाव में अधिकारियों ने जो है चुनाव में, देखिए ये जब हारते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी सरकार को दोष देते हैं। जब ये स्वयं मुख्यमंत्री थे और 2014 में चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया। 2017 में खुद मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती। 2019 में इन्होंने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाए, मायावती जी से मिलकर के चुनाव लड़े, तभी मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में आप मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है 2022 का चुनाव जीते, जिसमें कहते थे हम 400 सीट पाएंगे। प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से योगी जी को विजयी बनाई। तो ये वो केवल कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी जो है दो दो बार उनको हराई। तो ये केवल अपने हार को, खीज को मिटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप। आप देख रहे हैं वहां पर वो जहाँ 30 सीट पर हैं हम 55 सीट पर हैं, वो कहीं 20 सीट पर हैं, 35 सीट पर हैं। तो आज जो है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, राहुल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के पीछे अडानी बचाया जा रहा। देखिए, मोदी जी जैसा ईमानदार नेता शताब्दियों में ऐसे कोई पैदा होता है जो मोदी जी हैं? कांग्रेस पार्टी के खून में पैदा हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने, माननीय राहुल जी ने आरोप लगाया था राफेल में, उस पर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा पारदर्शिता से कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो एक कांग्रेस के खून में पैदा हुआ वाला व्यक्ति, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के असम में, और वो व्यक्ति भी मोदी जी के ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं व्यक्त कर सकता है। तो ये तो केवल राहुल गांधी जी जो क्या बोलते हैं, यदि उन्हीं को सुना दिया जाए तो क्या परिस्थिति होगी, आप इस बात को समझ सकते हैं।